हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th की हिस्ट्री का 6 चैप्टर है द थ्री ऑर्डर्स, उसका टॉपिक देखेंगे फ्रांस एंड इंग्लैंड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले गोल्ड रीजन के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी में। ये एक प्रोविंस है, मतलब प्रोविंस था इसमें रोमन एम्पायर में, और इस पे टू एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन्स बताई गई हैं। एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन्स, एक्सटेंसिव यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब बहुत लंबी कोस्ट लाइन, यानी कि समुद्र तट से जो जमीन सटी हुई होती है उसे कोस्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, और इसमें माउंटेन रेंज भी बताई गई हैं बहुत बड़ी बड़ी, और इसमें लंबी लंबी रिवर्स भी बताई गई हैं, इसमें फॉरेस्ट भी बताए गए हैं, इसमें प्लेन एरिया भी बताया गया बहुत बड़ा, और जिसमें एग्रीकल्चर हो सकता है। तो यानी कि बहुत ही अच्छा रीजन है। कैसे, माउंटेन रेंज में, माउंटेन जो रेंजेस होते हैं इन सब में मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो यहाँ से मिनरल्स आ जाएंगे उनके पास। अब लंबी लंबी रिवर्स हैं तो यहाँ से वाटर भी आ जाएगा, फॉरेस्ट है तो वुड रिसोर्सेज वगैरह ये सब भी आ जाएंगे, प्लेन है तो एग्रीकल्चर भी हो सकता है, और टू एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन्स तो यहाँ पर ट्रेड वगैरह भी हो सकता है। यानी कि बहुत ही एक अच्छी जगह है ये किसी भी देश के लिए। ठीक है, फिर इस रीजन के बारे में बताया गया, इसका नाम क्या था, बाद में क्या पड़ गया, ये सब अभी जानेंगे इस वीडियो में। फिर उसके बाद एक ट्राइब के बारे में बताया गया फ्रैंक्स। फ्रैंक्स जो ट्राइब थी वो एक जर्मन ट्राइब थी। मैंने बताया था रोमन एम्पायर जो था उसे डिफीट कर दिया था इन्होंने, जर्मन ट्राइब्स ने। अब जर्मन ट्राइब्स बहुत सारी थी, कोई एक ट्राइब नहीं, तो उन्हीं में से एक ट्राइब थी फ्रैंक्स। अब इन्होंने आप पूरे रोमन एम्पायर को डिफीट किया तो अपना एरिया बांट लेगी, इस एरिया मेरी ट्राइब, इस एरिया मेरी ट्राइब। तो जो फ्रेंच ट्राइब थी इनके एरिया में आ गया गोल्ड रीजन, तो इन्होंने गोल्ड रीजन पर अपना कब्जा कर लिया और गोल्ड रीजन को अपना नाम दे दिया, फ्रेंक्स से पड़ गया फ्रांस। तो जो आज का जो फ्रांस देश है, मैप पे देखना फ्रांस की एक कोस्ट लाइन ऊपर है, मतलब फ्रांस जो देश है वो ऐसे है, ये मान लो फ्रांस है, इस तरफ पड़ जाता है तुम्हारा स्पेन, और इस तरफ पड़ जाता है जर्मनी। तो ऊपर से कोस्ट लाइन होगी, ये पानी है, ऊपर से कोस्ट लाइन होगी, नीचे से कोस्ट लाइन होगी, नदियां बह रही हैं और माउंटेन रेंजेस भी है, मतलब बहुत अच्छी जगह है फ्रांस, ऐसा इसमें बताया गया। तो जो फ्रैंक्स थे उन्होंने गोल्ड रीजन जो था, गोल्ड रीजन उस पर अटैक किया, उसे रूल किया और फिर उसे अपना नाम दे दिया फ्रांस। ठीक है, तो सिक्स सेंचुरी के आसपास इन्होंने रूल करा था, तो इस रीजन का नाम पड़ गया फ्रांस, और इसे रूल करने लग गए फ्रैंकिस लोग, फ्रैंकिस या फिर फ्रेंच किंग्स, फ्रैंकिस फ्रैंक ट्राइब वाले। ठीक है, तो फ्रैंकिस किंग्स ने रूल करा, और ये कौन से लोग थे, क्रिश्चियन लोग थे, क्योंकि मैंने बताया था जो क्रिश्चियन धर्म था पिछली वीडियो में उसे एक्सेप्ट कर लिया था, जो जर्मन ट्राइब्स थे उन्होंने अटैक किया था, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म भी एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो अब ये क्रिश्चियन थे और इस वजह से इन्होंने चर्च वाले जो लोग हैं उनसे अच्छे संबंध बना के रखे, जो इनके लिंक्स थे स्ट्रॉन्ग लिंक्स बना के रखे किन से, चर्च वालों से, फ्रेंच किंग्स हो गए थे इन्होंने, और ये लिंक्स जो थे ये स्ट्रेंथन हो गए, स्ट्रेंथन यानी ये और भी मजबूत बन गए। कब बन गए, जब जो 800 करंट एरा के आसपास जो पोप लियो थ्री पोप, मैंने बताया था ये रोमन जो चर्च होता है, रोमन चर्च उसका जो मेन प्रीस्ट होता है उसे पोप कहा जाता है, और ये पूरे क्रिश्चियन धर्म के चर्चेस को लीड करता है। ठीक है, तो जो पोप लियो थ्री यानी कि पूरी उस टाइम पे धरती का जो सबसे बड़ा फादर था या प्रीस्ट था क्रिश्चियन लोगों का, उसने जो फ्रैंकिस लोग थे इनका किंग था शालमैन जो इनका रूलर था किंग, उसे उपाधि दे दी किस चीज की, होली रोमन एम्परर। होली यानी कि बहुत ही अच्छा, और रोमन एम्परर क्योंकि इन्होंने रोमन एम्पायर को यूनाइट कर दिया था, बाद में जाके होली रोमन एम्पायर बना दिया था। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि उनकी जो स्ट्रॉन्ग लिंक्स थी पहले से वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती हैं। ठीक है, फिर उसको बताया गया जो सेम रिलेशनशिप है किंग के बीच में, पोप के बीच में और किंग के बीच में, ये सेम रिलेशन ईस्टर्न साइड में भी थी, यानी कि उस रोमन एम्पायर तो इस टाइम पीरियड में खत्म हो गया, लेकिन इससे पहले जो रोमन एम्पायर था जो ईस्ट और वेस्ट दोनों साइडों में था, अगर आपने चैप्टर 3 ध्यान से पढ़ा हो जिसमें एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स में रोमन एम्पायर बताया गया था, तो ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड दो साइड में था रोमन एम्पायर, तो जो ईस्टर्न साइड थी वहाँ पे अलग चर्च होता था मेन चर्च,
और वेस्टर्न साइड थी वहां पे लग जाता था उतर था। तो वेस्टर्न साइड का जो चर्च था वो तो रोम में था, वो पोपुलियो कंट्रोल करता था उसे। ईस्टर्न साइड में जो चर्च था उधर कोई और कंट्रोल करता था, और उसकी भी सेम रिलेशनशिप थी किस राजा के साथ, जो बाइजेंटीन एम्पायर का रूलर था। बाइजेंटीन एम्पायर यानी कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था उसका जो रूलर था उसके साथ सेम रिलेशनशिप थी। कैसी रिलेशनशिप, कि उसे तरह तरह की उपाधि देना ताकि उसे पता चले कि चर्च का सपोर्ट उसके साथ है, ठीक है। तो ऐसा ईस्टर्न साइड में भी किया गया था, वेस्टर्न वेस्टर्न में अकेला नहीं था, तो ये बताया गया है। उसके बाद अब हमारी हेडिंग थी फ्रांस एंड इंग्लैंड। तो फ्रांस के बारे में तो हमने जान लिया कि भाई एक गोल्ड रीजन था, प्रोविंस था रोमन एम्पायर का, इसमें बहुत सारी चीजें थी, कोस्ट लाइन थी, बड़ी बड़ी माउंटेन थी, लॉन्ग रिवर थी, फॉरेस्ट थे, प्लेन एरिया था। फिर उसके बाद जर्मन ट्राइब्स ने इसे डिफीट कर दिया, जर्मन ट्राइब का नाम था फ्रैंक्स, उन्होंने इसको रूल किया और इसका नाम फ्रांस डाल दिया। इसमें फ्रैंकिश रूलर्स ने रूल किया और जो कि वो क्रिश्चियन थे, इसलिए उनकी चर्च के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक्स थी। और फिर वो स्ट्रेंथन होगी जब पोप लियो ने इसको, उनके रूलर सालोमैन को होली रोमन एम्पायर की उपाधि दे दी, ठीक है। अब ये सेम चीज ईस्टर्न साइड ऑफ रोमन एम्पायर में भी होती थी कई बार, चर्च उधर के जो बेजेंटीन एम्पायर का जो रूलर था उसे तरह तरह की उपाधि दे देता था, ठीक है। उसके बाद अब हम जानते हैं इंग्लैंड के बारे में। जो इंग्लैंड था वो फ्रांस से ज्यादा दूर नहीं था, मतलब ऐसे समझ लो कि ये फ्रांस है तो लिहाज से बिल्कुल ये इंग्लैंड हो गया। तो ये इंग्लैंड, ये फ्रांस, भी तुम बिल्कुल पतली सी ओशन की स्ट्रिंग सी है, सी वगैरह, तो अब उसे नाव से आराम से क्रॉस कर सकते हैं हम लोग। तो फ्रांस वाले जो रूलर थे वो चले गए एक दिन नाव से तैर के इंग्लैंड, अपनी सेना वगैरह लेके, और इंग्लैंड पे भी रूल कर लिया। कब करा, 11th सेंचुरी के आसपास। कौन लोग गए थे, वो गए थे ड्यूक लोग थे, कहाँ के, नॉर्मैंडी के। नॉर्मैंडी एक जगह है फ्रांस में, तो फ्रांस की नॉर्मैंडी जगह के ड्यूक लोग चले गए थे 11th सेंचुरी में इंग्लैंड रूल करने, और उन्होंने रूल कर लिया, ठीक है। इंग्लैंड की जो फिर वो है क्या है मोनार्की, जो आज के टाइम पे पीरियड पे भी है, एलिजाबेथ वगैरह, वो इन्हीं ड्यूक वगैरह के जनरेशन है, ठीक है, उनकी बाद की जनरेशन है, ठीक है। अभी ड्यूक क्या होता है, ड्यूक होती है नोबलमैन, ड्यूक होता है नोबलमैन। मैंने बताया था थ्री ऑर्डर्स थे, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स। तो सेकंड ऑर्डर के लोग थे उन्हें ड्यूक कहा जाता था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में हमने फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में जान लिया। अगली वीडियो में हम जो सब टॉपिक है ज्यादा थ्री ऑर्डर्स उसे जानेंगे। इस वीडियो में जितना भी समझाया उसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।